कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल और ये चेहरे सियासी गलियारों में इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। नमस्कार, आप स्वागत है आप सभी का, मैं हूं अपर्णा मौजम। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा, इस नाम को लेकर चर्चाएं गर्म है। चुनावों में बीजेपी ने सीएम फेस का ऐलान नहीं किया था, वहीं बीजेपी के कई दिग्गजों के चुनावी मैदान में होने के ही चलते कयास भी खूब लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद मध्य प्रदेश के सीएम के नाम को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। चुनावों में जो ऐलान नहीं किया गया, वही वजह है कि ये चर्चाएं हो रही हैं। एमपी में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद एमपी का सीएम के नाम को लेकर चर्चा गर्म है। चुनावों में बीजेपी ने सीएम फेस का ऐलान नहीं किया था, वहीं बीजेपी के कई दिग्गजों के चुनावी मैदान में होने की वजह से कयास भी खूब लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर ली है, ऐसे में एमपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। शिवराज सिंह चौहान के अलावा कई नाम लिए जा रहे हैं। बीजेपी ने इस बार कई दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा था। केंद्रीय मंत्रियों में प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीत कर आए हैं। प्रहलाद पटेल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने भी चुनावी रण में जीत का डंका बजाया है। सियासी गलियारों में इन नेताओं के अलावा वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर भी चर्चा हो रही है। नामों और कयासों के बीच न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान सीएम पद को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। जनता ने आपको प्यार बेशुमार दिया है, इस बार रिकॉर्ड तोड़ प्यार दिया है। जनता देखना चाहेगी सीएम आपको प्रदेश की। जनता का प्यार आशीर्वाद है और जब तक सांस चलेगी जनता की सेवा करते रहेंगे, लेकिन कहां काम करेंगे ये मेरी पार्टी तय करेगी, हमारा मिशन तय करेगा कि कौन से कार्यकर्ता को कहां काम करना है। इस बीच कैलाश विजयवर्गीय का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल फोटो में कैलाश विजयवर्गीय को उनका समर्थक मुख्यमंत्री लिखा नेम प्लेट भेंट करता दिख रहा है। हालांकि ये समर्थक का अति उत्साह हो सकता है, लेकिन इस पर सीएम पद को लेकर बीजेपी में कई नाम है, या फिर ये सिर्फ कयास है, 2 से 3 दिन में ये भी साफ हो जाएगा। और शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, सवाल ये है कि चुनाव की गहमा गहमी के बाद अब मंथन हो रहा है और मुलाकातें हो रही हैं, क्या निकलकर सामने आ रहा है मुलाकातों के अगर इनपुट की बात की जाए तो? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो दिग्गज नेता जीते हैं, खासकर अगर बात प्रहलाद पटेल की हो या फिर दूसरे अन्य नेताओं की बात हो, ये जिस तरीके से केंद्रीय आलाकमान से जब मिलने पहुंचे, तो ऐसे में ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के अलावा कोई फेस होगा। ये सवाल इसलिए मध्य प्रदेश के हलकों में, राजनीतिक हलकों में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो कैंपेनिंग की गई वो इस बार तो अलग तरीके से की गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के फेस को आगे नहीं रखा गया था, ये नहीं बताया गया था कि कौन आखिर मुख्यमंत्री होगा, लेकिन जब जब सवाल पूछा गया तो ये कहा गया था कि वर्तमान में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। तो इस तरह की चर्चाएं अब होने लगी है कि क्या मध्य प्रदेश में कोई और दूसरा चेहरा जो है वो एज ए मुख्यमंत्री सामने आएगा। हालांकि ये अभी केवल कयास है, हो सकता है एक दो दिन में जब केंद्रीय आला कमान मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक बना के जब भेजेगी, उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक के बाद ये तय होगा कि मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जाहिर सी बात है शैलेंद्र, विधायक दल की बैठक में ही मुख्यमंत्री कौन होगा इस नाम पर आखिरी मोहर लगाई जाएगी, लेकिन ये सवाल और सवाल का जवाब ढूंढने के जो मायने हैं इसलिए खास भी हो जाते हैं। आप खुद लगातार कवर भी वहां पर कर रहे हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ 23 को लेकर नहीं था, सवाल 24 को लेकर भी था, और जो भी फैसला होगा उस पर इसीलिए होगा कि ताकि 24 पर वो कितना लाभान्वित कर पाएगा।
बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं उसी बात पर आ रहा था। जिस तरीके से जो केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया गया, चाहे वह प्रहलाद पटेल की बात हो या फिर नरेंद्र सिंह तोमर की बात हो, इसके अलावा कई सांसदों को भी चुनाव लड़ाया गया था, तो ऐसे में भले ही बीजेपी ने स्पष्ट तौर पर यह ना कहा हो कि आखिर इनको चुनाव क्यों लड़ाया जा रहा है, लेकिन क्षेत्रीय जनता ये मानकर चल रही थी इन क्षेत्रों को चुनाव इसलिए लड़ाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में ये लोग सीएम फेस हो सके। और जिस बात का आपने जिक्र किया कि 24 की तैयारी है, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि जितने भी राज्यों में अभी बीजेपी को जीत मिली है, सब में 24 की तैयारी को लेकर हुई बात हो रही है। देखिए, मध्य प्रदेश का जब कैंपेन शुरू किया गया तो मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश का जो नारा है वो यहाँ पर दिया गया, और जब बड़ी प्रचंड जीत मिली है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर तमाम जो विधायक जो जीत कर आए हैं वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर यह जीत मिली है, उनके कामों को लेकर यह जीत मिली है, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो डबल इंजन की सरकार थी उसकी ये जीत है। तो कहीं ना कहीं 24 को ध्यान में रखकर ये सारे जो बयान दिए जा रहे हैं और ये माना भी जा रहा है कि, और जिस तरीके से आज से ही बीजेपी ने तैयारी भी शुरू कर दी है 24 को लेकर, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का यह बयान सामने आया कि जिन बूथों पर 51% से कम मत शेयर मिला है वहां पर इस मत शेयर को लोकसभा में बढ़ाने के लिए काम इसी महीने से शुरू कर दिया जाएगा। तो न केवल मध्य प्रदेश, बीजेपी की खासियत भी है कि एक चुनाव खत्म नहीं होता, वो दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे पूरी गहमा गहमी को लेकर। तो वहीं भोपाल की बात करें जहां सीएम शिवराज से आज एक खास शख्स ने मुलाकात की। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ की। वो सांसद नकुल नाथ के साथ मिलने सीएम हाउस पहुंचे और बीजेपी की जीत पर शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। कमलनाथ ने आज शिवराज सिंह चौहान से मिलकर उन्हें प्रदेश में बीजेपी की जीत पर बधाई दी और मुलाकात की। इस दौरान सांसद नकुलनाथ भी मौजूद रहे। सीएम हाउस में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। वहीं कमलनाथ के मिलकर बधाई देने पर सीएम शिवराज ने कहा कि यह सामान्य शिष्टाचार की मुलाकात थी। मैं कहा कमलनाथ जी अभी आपसे मिलने के लिए आए थे, शिष्टाचार मुलाकात थी, क्या बात हुई, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? ऐसा था कि जब पिछली बार जी उनकी ज्यादा सीट आई थी तो मैंने बधाई दी थी, और एक राजनीतिक शिष्टाचार है कि भाई आप जीत गए आपको बधाई, आप इस बार उनने मुझे बधाई दी आके, और शिष्टाचार की बातें ही हुई, सामान्य शिष्टाचार की। न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गीत भी गुनगुनाया। अक्सर आप गुनगुनाते हैं तो कुछ एक लाइन गुनगुनाना चाहेंगे आज, इतना बड़ा जनता ने आपको प्यार दिया है। मैं बसाना चाहता हूं स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी में जहां जश्न का माहौल है तो वहीं कांग्रेस करारी हार की समीक्षा करने की बात कह रही है। कांग्रेस की समीक्षा बैठक को लेकर बीजेपी ने तंज भी कसा है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने हार की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ, चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह के अलावा सभी प्रत्याशी भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक के लिए सभी जीते हारे प्रत्याशियों को भोपाल बुला लिया गया है। देखिए, जब भी आप कोई चुनाव जीतते हैं हारते हैं तो उसके बाद जीत की समीक्षा भी होती है, और मतलब हार की समीक्षा तो सदैव होती है, जीत का जश्न होता है, हार की समीक्षा होती है। तो अब जब एक बड़े चुनाव से हम लोग गुजरे हैं और अपेक्षा के अनुरूप हमारे परिणाम नहीं आए, तो निश्चित तौर पर एक विधायक दल की बैठक भी होगी और सभी कई कार्यकर्ताओं महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को बुलाकर एक समीक्षा करेंगे और भविष्य में क्या कैसी हमारी कार्यशैली रहे, क्योंकि हम मानते हैं कि ये सतत प्रक्रिया है, आगे लोकसभा चुनाव भी हैं, तो इस सब चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। उधर बीजेपी में प्रचंड जीत के बाद जश्न का माहौल है। बीजेपी का कहना था कि जिन सीटों पर हार हुई है उन सीटों की समीक्षा की जाएगी, साथ ही कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी तंज कस रही है। कांग्रेस को हार की समीक्षा करने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। वो जो कपड़ा फाड़ दो परिवारों के बीच हुआ उसने कांग्रेस को फाड़ दिया,
और जनता के बीच से समाप्त। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी उत्साह से लबरेज है, वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं में निराशा जरूर होगी। ऐसे में जबकि जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस के लिए बेहतर प्रदर्शन की चुनौती बनी हुई है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि हारी हुई सीटों पर समीक्षा के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर भी फोकस किया जाएगा। बताया कि लोकसभा की 29 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। वीडी शर्मा ने कहा कि हर बूथ पर मोदी का नारा लेकर आएगी बीजेपी, हर बूथ से मोदी को जिताने का अभियान चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और बूथ बूथ के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि आज हमें गर्व है कि अमित शाह जी ने हमें जो संकल्प दिलाया था और जो टास्क दिया था, आज 51% के वोट शेयर में लगभग 49% वोट भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिला है। ये एक कार्यकर्ता की उपलब्धि है, चाहे वोट शेयर बढ़ाने की बात हो, चाहे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात हो, तो कार्यकर्ता ने अथक मेहनत की। अब हमारा संकल्प है आगामी आने वाली लोकसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रत्येक बूथ पर, हर बूथ पर मोदी, इस अभियान के साथ भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत कार्यकर्ताओं ने संभाल ली है। हम सारी समीक्षा करने के बाद जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, उन बूथों पर हम कैसे चुनाव जीतेंगे और जिन बूथों पर हम कम मतों से जीते हैं उनमें 10% वोट शेयर कैसे बढ़ेगा, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी की कुशल रणनीति, नड्डा जी के आशीर्वाद के साथ संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का, मध्य प्रदेश का हमारा नेतृत्व, हम सब मिलकर के टीम स्पिरिट के साथ 29 की 29 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का हम सब अथक मेहनत परिश्रम से सभी कार्यकर्ता जुटेंगे। अब बात नतीजों के बाद के असर की, तो विधानसभा चुनाव के नतीजे किसी के लिए खुशी का सबब बन गए तो किसी को गमगीन कर गए। हालांकि हार के बाद भी प्रत्याशियों ने जनता की सेवा करते रहने की बात कही है। ये जीत का जश्न है और हो भी क्यों ना, ये राजेंद्र शुक्ला की लगातार 5वीं जीत है। रीवा में जब विजय जुलूस निकला तो जगह जगह राजेंद्र शुक्ला का स्वागत किया गया। इस दौरान सड़क पर जन सैलाब भी दिखा। अब रतलाम की तस्वीरें देखिए, ये हैं विधायक चेतन निकश्यप। विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाई है इन्होंने। पोती ने जब ढोल बजाया तो दादा खुद को रोक नहीं पाए, परिवार और कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न भी मनाया। माना यह जा रहा है कि इस बार कश्यप को मंत्रिमंडल में भी जगह मिल सकती है। उधर ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से महज 3000 वोट से हारने वाले भारत सिंह कुशवाहा के घर पर समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। 2013-2018 में लगातार दो बार उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन जीत की हैट्रिक नहीं लगा पाए। भारत सिंह कुशवाहा ने जनादेश के सम्मान की बात कही। हमने कोशिश की पूरे क्षेत्र को विकास से जोड़ने के लिए, चुनाव में भी कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से परिश्रम करके, मेहनत करके जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को के ऊपर बना रहे, ऐसा सभी ने प्रयास किया और जनता ने आशीर्वाद दिया। हम थोड़े बहुत कई वोटों से पिछड़े हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये छोटी, आपने जैसे बताया कि कम अंतरों से हार का सामना करना पड़ा है, तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि जनता का दिल से फिर आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि कहीं कोई अगर कमी रही होगी तो हम उसकी समीक्षा करेंगे। जाहिर है विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद प्रत्याशियों के साथ साथ समर्थकों में जश्न का माहौल है, लेकिन हार मिलने के बाद भी प्रत्याशी जनादेश के सम्मान की बात कह रहे हैं और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। वही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दतिया से हार के बाद नरोत्तम मिश्रा भावुक हो गए। जनादेश को स्वीकार करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं वापस लौट कर आऊंगा, ये मेरा वादा है। सरकार आपकी, ललकार आपकी और दरकार भी आपकी, किसी खिंचे भ्रम में मत आ जाना। समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पे घर मत बना लेना,
मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है। ज्यादा समय आप भी जानते हो शांत रहने वाला चीज नहीं हूं, लेकिन उनको अवसर जरूर देना चाहिए इस बात का ध्यान रखो। मेरा कार्यकर्ता मेरे प्राणों से प्यारा। और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां बीजेपी प्रत्याशी के विजय जुलूस पर बवाल हुआ है। बीजेपी के जुलूस पर गर्म पानी फेंकने की खबर है। गर्म पानी से कई कार्यकर्ता जो जुलूस का हिस्सा थे वो झुलसे हैं पानी फेंकने का। ये देखिए वीडियो भी सामने आया किस तरीके से ऊपर से ये पानी फेंका गया है। बीजेपी उम्मीदवार की जीत के बाद जो विजय जुलूस निकाला जा रहा था उस पर पानी फेंका गया, ऊपर से गर्म पानी यहाँ फेंका गया है। बीजेपी के महेंद्र हार्दिया की जीत पर यह जुलूस निकाला जा रहा था। ऐसे में पुलिस ने चार नामजद लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। इंदौर के खजराना क्षेत्र का यह मामला है, जहां देखिए किस तरीके से ये गर्म पानी ऊपर से फेंका गया। और अब वो खबर जो आपके भरोसे पर मोहर लगाती है। जी हां, इलेक्शन मतलब न्यूज 18। नतीजों के दिन छाया न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे आगे। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रहा है नतीजों के दिन। सबसे ज्यादा लोगों ने न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देखा है चुनाव की मतगणना का हाल जानने के लिए। और एक बार फिर न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ का डंका बजा है। तो एक बार फिर आपके भरोसे पर यह डेटा मोहर लगाता है। किस तरह सबसे ज्यादा लोगों ने न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देखा है वो देखिए। 130 के ये नंबर है सबसे आगे। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है रहा है उस दिन मतगणना के दिन यानी कि। और आपको बता रहे हैं ये हाल देखिए किस तरीके से छाया रहा न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दर्शकों की पहली पसंद बना चुनावी मतगणना का हाल जानने के लिए किस सीट पर क्या आंकड़ा है, किस तरह रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, ये सबसे ज्यादा दर्शकों ने न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देखा है। आपके भरोसे पर हम आगे भी कायम इसी तरह रहेंगे। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं बैतूल की, जहां से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। गर्भवती महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस, कपड़े की झोली बनाकर महिला को नदी पार कराई गई। भीमापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया। भीमपुर ब्लॉक के भटबोरी गांव का यह मामला है। तस्वीर बैतूल से सामने आई है जो स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। और अब बात उज्जैन की, जहां अगहन मास के तीसरे सोमवार को बाबा महाकाल की तीसरी सवारी निकली, जहां दर्शन पाने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। घंटों इंतजार के बाद भगवान महाकाल की एक झलक पाकर भक्तों ने खुद को धन्य समझा। भगवान चंद्रमौलेश्वर प्रजा का हाल जानने के लिए चांदी की पालकी में नगर भ्रमण पर निकलते हैं। सवारी निकलने के पहले सभा मंडप में भगवान चंद्रमौलेश्वर स्वरूप का पूजन अर्चन किया गया। बाबा महाकाल को सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने सलामी भी दी। एक्ट्रेस जानवी कपूर भी आज उज्जैन पहुंची। यहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए। जानवी कपूर सुबह भस्म आरती में शामिल हुई और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। एमपी अब तक में आइए अब देख लेते हैं खबरें तेज रफ्तार के साथ।